हे गाइस, हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज तनु हियर और आप देख रहे हैं मेरे चैनल ट्रॉपिकल पेंगुइन। सो ये एक रैंडम व्लॉग है फ्रॉम माय लाइफ। एक्चुअली ये न्यू ईयर के दौरान मैंने शूट किया था, बहुत ही अनप्लान्ड और बहुत ही ज़्यादा रैंडम है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस व्लॉग को। कल न्यू ईयर है और मुझे पता था कि आज का दिन कर्फ्यू लगने वाला है, लेकिन यहाँ पर लगा नहीं कुछ ऐसा, थैंकफुली। तो मेरा ऑफिस जस्ट फिनिश हुआ है, अभी टाइम हो रहा है 6 और मेरा भाई मुझे लेकर जा रहा है मरीना पार्क। वहाँ पे बहुत अच्छी लाइटिंग हुई है। आई डोंट नो आपको मेरा आवाज़ कितना आ रहा है, अगर नहीं आ रहा होगा तो मैं बाद में वॉइस ओवर दे दूँगी। तो जस्ट घर से निकले हैं एंड अभी हम लोग जाएंगे मरीना पार्क के, वहाँ से जस्ट क्रॉस होने वाले हैं और कुछ नहीं। तो चलो हमारे साथ मरीना पार्क। और हम कौन सा रूट लेंगे पता है? हम अबडीन बाज़ार वाला रूट लेने वाले हैं। तो चलो चलते हैं मरीना पार्क। तो ये है एक्चुअली अबडीन बाज़ार का शुरुआत, जहाँ से मॉडल स्कूल का शुरुआत होता है। और वहीं पे एक मंदिर है जहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा लाइटिंग किया हुआ था। और यहाँ से हम सेलुड़ा जेल वाली रोड ले रहे हैं। ये रोड मैंने मेरे वीडियो पे ना जाने कितनी बार दिखाया है, लेकिन एवरी टाइम मैं जब भी यहाँ से गुजरती हूँ मुझे इतना ज़्यादा प्राउड फील होता है इस जगह को देख कर, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। 2021 की शुरुआत हो रहा है और देखिए सेलुड़ा जेल की लाइटिंग भी शुरुआत हो गया है। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है यहाँ का लाइटिंग एक्चुअली। तो आपने देखा कि कितना खूबसूरत लाइटिंग था सेलुलर जेल का। और अभी हम लोग जा रहे हैं मरीना पार्क, वहाँ पे बहुत अच्छी लाइटिंग हुई है जिसका झलक मुझे दिख गया है, लेकिन आपको अभी दिखने वाला है जस्ट अभी, मतलब जस्ट और 30-40 सेकंड के अंदर ही आपको दिख जाएगा। हमारा अंडमान कितना सुंदर से सजा हुआ है। आई नो मेरा ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा लेट है, अप्रॉक्स 2 महीने के बाद है, स्टिल फॉर डॉक्यूमेंटेशन मैं इसको अपलोड कर रही हूँ। और ये देखिए 2021 को ऐसे कुछ वेलकम किया था अंडमान में, मरीना पार्क में ऐसा लाइटिंग किया हुआ था। होल मरीना पार्क में जहाँ पे कि फ्ली मार्केट जहाँ पे बैठता है वहाँ पे पूरा ऐसा लाइटिंग किया हुआ था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ पे वीडियो पे एक्चुअली उस खूबसूरती का 1% भी नहीं है, मैं ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ। जब यहाँ से मैं क्रॉस हो रही थी आई वॉज रियली मतलब एस्टोनिश्ड बाई दिस व्यू। और आप जो रेलिंग में लाइटिंग देख रहे हो ये भी एक्चुअली नया है, और जब से 2021 शुरुआत हुआ है तब से ये लाइटिंग ऐसा का ऐसा ही है, लेकिन ये ऊपर वाला लाइटिंग अभी फ़िलहाल मतलब फरवरी 2021 में निकाला गया है। और मेरा भाई वहाँ पे मुझे बता रहा है क्योंकि वहाँ पे एक हैप्पी न्यू ईयर का एक PVMC के द्वारा एक कुछ लाइटिंग किया गया था जो कि मैं बाद में आपको दिखाऊँगी। तो ये देखिए यहाँ पर होता है ये वाली लाइटिंग ख़त्म, लेकिन और एक यहाँ पे एक क्रिसमस ट्री और उसके साथ हैप्पी न्यू ईयर का लाइटिंग लगा हुआ था। हम लोग फिर से यहाँ पे रिटर्न आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितना सुंदर लगता है। आपने देखा होगा कि कितना सुंदर लग रहा था, मैं फिर से और एक बार जाऊंगी और आपको दिखाऊंगी क्योंकि मुझे परफेक्ट शॉट चाहिए, 3 से 4 बार लूँगी उसके बाद ही मुझे दिखेगा जाकर। सो आज यहाँ पे कुछ ऐसा लाइटिंग हुआ है। एक्चुअली अगर आप यहाँ से देखो तो उतना खास नहीं लग रहा है, लेकिन दूर वाला लाइटिंग काफ़ी अच्छा लग रहा है। मरीना पार्क वाली रोड ही है ये, बहुत लोग आए हुए हैं और यहाँ पे नाइट कर्फ्यू नहीं है, तो इसलिए ज़बरदस्त वाली भीड़ हुई है। मतलब ज़बरदस्त मतलब इतना ज़्यादा भीड़ नहीं, लेकिन अंडमान को कंपेरेटिवली अच्छा खासा भीड़ हुआ है। और वहाँ पर एक पार्क भी है। और यहाँ पे पहले मैं आपको बोली थी कि यहाँ पे सैटरडे संडे एक्चुअली बंद होता था, लेकिन अभी वो नहीं है बिकॉज दूसरा वाला जो रोड है जो उस तरफ का रोड है वो बंद है ड्यू टू कोविड सेंटर, उस तरफ ही है सॉरी कोविड टेस्टिंग। तो इस जगह पे ना ऐसा क्रिसमस ट्री बनाया गया है और वहाँ पे मेरी क्रिसमस भी लिखा हुआ था, ये PVMC के द्वारा बनाया गया है इवन वो भी। और अभी मेरा भाई मुझे डांट रहा है कि चलो 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 चलो, हाँ मुझे एक फ़ोटो लेना था, एक मिनट। मरीना पार्क में थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद मैं और छोटे भाई चले गए थे फ्लैग पॉइंट में। एक्चुअली मेरा बड़ा भाई भी यहीं पे था, मतलब अभी मरीना पार्क में था और वो भी उसके बाद फ्लैग पॉइंट के वहाँ पर चले गया था, वहाँ पर जाकर मैं आपसे बात कर। मैं और छोटे भाई यहाँ पर बैठे हैं जहाँ पर फ्लैग पॉइंट है ना, यहाँ पे आई विल प्राउडली से कि यहाँ का जो पहला वीडियो है मैंने बनाया है, हालांकि मुझे उतना व्यूज़ नहीं मिला है लेकिन दैट्स ओके। और यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा है,
नहीं दिख रहा होगा चंदा मामा, क्योंकि मेरा फ़ोन का कैमरा इतना खास नहीं है, थोड़ा बहुत दिख रहा है ना, वही है। और अपोजिट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड है, बहुत सारे लोग आते हैं इस तरफ, बहुत सारे लोग आते हैं। मैंने ऑडियो को चेंज नहीं किया, मैंने वो ऑडियो को वैसा ही रखा है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है सर रॉ वीडियोस। और यहाँ पे ना बहुत सारे लोग ऐसे जस्ट थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए आते हैं, तो हम मरीना पार्क से चले गए थे फुचका खाने, स्पेशल वन ऑफ द बेस्ट चाट सेंटर है यहाँ का। और आज कितना ज़्यादा भीड़ है देखिए, और वहाँ पे मस्जिद है, यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे चाट सेंटर है, पापड़ी चाट। अच्छा, और ये है मेरा दही, क्या ये दही चटपटी चाट, चटपटी मतलब छोले, यहाँ पे चटपटी को कहते हैं, सॉरी छोले को कहते हैं चटपटी। इसके पहले जो आपने व्लॉग देखा वो एक्चुअली 31st का ईद था, एंड ये है 1st of January 2021। तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। हर बार मेरा न्यू ईयर बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, इस बार मैंने कट स्टूडियो में मेरा न्यू ईयर बिताया। मुझे एक्चुअली वैक्सीन चाहिए था और उस दिन छुट्टी था, तो मैंने सोचा कि चलो कट स्टूडियो में चले जाते हैं। ओके सैलून है, मुझे इनका सर्विस में कुछ चीज़ अच्छा भी लगा, कुछ बुरा भी लगा, दूसरा कोई वीडियो में इस बारे में डिटेल में बात करूँगी, लेकिन एक ओकेज था। और उसके बाद मैं घर आ गई, लंच किया री, एंड देन बैंक में मुझे कुछ काम था, देन मैं मेरे छोटे भाई के साथ एक्चुअल न्यू ईयर सेलिब्रेशन में जा रही हूँ। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्यों पता है, क्योंकि हर बार मैं न्यू ईयर में कुछ तो करती हूँ, मतलब कभी कभार जब मैं मैसूर पे थी तब तो थोड़ा बहुत पार्टी वार्टी भी होता था, लेकिन जब मैं कोची गई उसके बाद खाना पीना ही बस स्पेशल था। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि क्योंकि घर पे हूँ, फैमिली के साथ हूँ, मेरे घर पे न्यू ईयर को इतना कुछ स्पेशल वे में मनाया नहीं जाता है, मेरे घर में हर दिन न्यू ईयर होता है, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था फ्रेंड्स को मिस कर रही थी। तो मैंने मेरे भाई को बोला चलो आज कहीं पे जाते हैं, तो मेरे छोटे भाई को बारिश में ऐसा गाड़ी चलाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं और मेरे छोटे भाई ऐसी बारिश में थोड़ा सा घूमने निकल गए, बस बाजार न्यू ईयर का बाजार कोई और ये है बाजार चेन्नई स्टोर लूलू शॉपिंग मॉल, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा है, एंड मेगा टेक वर्ल्ड नया है कुछ, ये वाला बहुत पुराना है, थंगा मली गई दुबई वर्ल्ड ये भी थोड़ा पुराना है, रहमत तो बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, और ये वाला भी बहुत पुराना दुकान है TS गुरुस्वामी, और तनाज टेक्सटाइल तो बहुत ज़्यादा पुराना है, बहुत ज़्यादा, ये है तनाज टेक्सटाइल। यहाँ पे एक मंदिर है लक्ष्मी नारायण मंदिर, मौसम में हमें मोमो मिलेगा, तो हम एक्चुअली जा रहे वो जो आंटी की दुकान है ना, जो गुरुद्वारा पुलिस गुरुद्वारा के पास है, वहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वहाँ पे रहेगा। तो एक्चुअली 2021 के फर्स्ट दिन में ही फर्स्ट जैन को ही एक्चुअली थोड़ा बहुत बारिश गिरा, जैसे कि आप यहाँ पे वीडियो में देख पा रहे हो, और थोड़ा बहुत इसीलिए मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया था, और इस ठंड के मौसम में मोमो खाने बहुत ज़्यादा अच्छे लगता है, तो मैं ऐसी सोच ली थी कि मैं और मेरे छोटे भाई मोमो खाएंगे कहीं पे बैठ के, लेकिन हमें कहीं पे भी मोमो नहीं मिला। मतलब मुझे दो दुकान पता है जहाँ पे कि अच्छा मोमोज मिलता है, एक तो बस स्टैंड के ठीक ही पास में है, और एक है जहाँ पे कि कविता लॉज के वहाँ पे, जो पुलिस गुरुद्वारा के वहाँ पे, तो वहाँ पे एक्चुअली नहीं था, ओपन नहीं था। एंड देन हम चले गए फिर से चाट खाने, जहाँ पे कि दही फुचका मिलता है, उस जगह पे हम जाने का प्लान कर रहे थे। तो जाते जाते हमारा प्लान थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन आप देखो कि न्यू ईयर के दिन पोर्ट ब्लेयर कैसा था। तो एक्चुअली अंडमान में कभी भी बारिश आ सकता है, इसीलिए मैं आपको हर वक्त कहती हूँ कि अंडमान में अगर आप आते हो तो एक अम्ब्रेला या फिर रेनकोट अपने साथ रखना, क्योंकि कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकता है। अंडमान का वेदर बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल होता है, थोड़ा बहुत बूंदा बूंदी तो आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। तो ये देखिए वही वाली रोड है जो कि मैं आपको न्यू ईयर ईव में दिखा रही थी, आप ऊपर जो देख पा रहे हो ये वही वाली लाइटिंग है, क्योंकि अभी दिन है ऑब्वियसली आपको अभी समझेगा नहीं, लेकिन बहुत ही सुनहरा एक मौसम हो गया था, सुनहरा नहीं बोलूँगी इस मौसम को, ठंड ठंड सा मौसम था, थोड़ा बहुत बूंदा बूंदी था, जैसे कि मेरे हेलमेट के ऊपर, आपको समझ आ रहा है ना, मैं बहुत मुश्किल से एक्चुअली फ़ोन को पकड़ी हुई थी। और ये देखिए अभी तक कोई भी एक भी फूड वैन नहीं आया था, ये एक्चुअली जस्ट 2 बज रहा है यहाँ पे, 2 बजे मेरे बड़े भाई ऑफिस से आया था, एंड उसे ड्रॉप करके मेरा बड़े भाई, मतलब मेरे छोटा भाई मुझे लेकर निकल गया, और मेरा नेक्स्ट दिन ही ऑफिस था, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा चेंज चाहिए था।
और एक बात है जो मैं आपको कोई वीडियो पे शायद नहीं बोली, बहुत जन ये एक्चुअली गलती करते हैं, जब मैं वहाँ पे बैठी रहती हूँ ना तब मैं देखती हूँ, तो फ्लैग पॉइंट का जो एरिया है वो वन वे है, तो अगर आप दूसरी साइड से आते हो ऑब्वियसली आपको पुलिस अंकल पकड़ के बोलेंगे कि बच्चा यहाँ से क्यों आए हो, ये तो वन वे है, इवन दे कैन चार्ज सम फाइन फ्रॉम यू, आई डोंट नो एग्जैक्टली हाँ कि चार्ज है या नहीं, मतलब फ़ाइन है या नहीं। तो ये देखो ये वाली रोड एक्चुअली वन वे है जिस बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला, और ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्यों पता है, क्योंकि इस जगह का जो पहला वीडियो था वो मैंने बताया है, तो एक अलग सी सुकून मिलती है। लेकिन हाँ मुझे उस वीडियो में ना व्यूज़ बहुत कम मिला है, तो आप लोग अभी जाइए ट्रॉपिकल पेंगुइन फ्लैग पॉइंट बोलकर सर्च करिए यूट्यूब में एंड देन वो वीडियो वॉच करिए। और ये जो मंदिर है, इस मंदिर में शायद न्यू ईयर के कुछ दिन बाद ही एक बहुत बड़ा सा एक पूजा था, लेकिन मैं उसे कवर नहीं कर पाई क्योंकि वो वीकडे में था। वीकेंड में आप कभी भी बोलो मैं आ सकती हूँ, मैं उस जगह को कवर कर सकती हूँ, मैं वीडियो बना सकती हूँ, लेकिन वीकडे में मेरे लिए शाम को ही बस निकलना पॉसिबल होता है, क्योंकि आइदर इस टाइम पे मैं ऑफिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करती बैठती होंगी या फिर कोई मीटिंग अटेंड करते रहती होंगी, मेरा बहुत ज़्यादा हेक्टिक ऑफिस वर्क है, मैं आपको ये बहुत बार आपको बोलिए। तो ये देखिए यहाँ पे मतलब सिंक्लेयर हॉटल से थोड़ा सा आगे जाके हमने सोचा कि नहीं हम नहीं खाएंगे कोई भी चाट, क्योंकि मौसम सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था उस दिन, बहुत दिनों के बाद गर्मी था और गर्मी के बाद ठंड आया था तो अच्छा। तो हम आए हैं फूड कोर्ट, फूड कोर्ट में सब कुछ अभी बंद है, मतलब अभी बस 2:30 हुआ है और इसीलिए बंद है, मेरा जूता अभी टूटेगा लग रहा है, एक ही बस शॉप ओपन है जहाँ पे मैं अभी जा रही हूँ, ये देखो बैठने का सारा आयोजन है यहाँ पे, एक दुकान पे तो सब सो रहे हैं, कुत्ता भटक रहा है। भगवान की कृपा से बस एक ही शॉप ओपन था, वो था जोनाकी, जोनाकी का मुझे फूड उतना पसंद नहीं, बस यहाँ का चाय मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, अगर अंडमान आते हो तो ट्राई करना यहाँ का चाय। तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन का हमें खाना ही हमारे मिसिंग था, हमने चाय नहीं पिया था जोनाकी से, ना तो हमने चाय लिया, हमने जस्ट अपना स्नैक्स या फिर स्लैश फूड ये भी आप कह सकते हो, क्योंकि हमने लंच बहुत ही कम किया था, क्योंकि मैं थोड़ा सा सैड सैड फील कर रही थी, आई वॉज़ मिसिंग माई फ्रेंड्स और मम्मी को भी मिस कर रही थी, तो इसीलिए मैंने थोड़ा कम ही खा लिया था, तो मुझे भूख भी लग रही थी और मुझे उस जगह पे जाके कुछ खाना था, तो इसीलिए ले लिया एंड देन मैं जा रही हूँ। तो आप में से बहुत सारे लोग ये वाला जगह देख के थोड़ा सा जेलस फील करोगे, लेकिन कोई बात नहीं, अंडमान आ जाना, देन हम लोग इकट्ठा बैठ के यहाँ पे खाएंगे, ठीक है। तो चले चलते हैं मेरा फेवरेट लोकेशन ऑफ अंडमान में, तो ये देखिए ये है मेरा पैकेट और समुंदर और मेरा चम्मच दो, अभी मैं खाऊंगी इसको। तो मैंने कहा ना अंडमान बहुत ही ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है फॉर वेदर, तो ये देखिए वहाँ से रिटर्न आते ही धूप निकल गया और क्लियर स्काई। तो हम शाम को निकले हैं, दोपहर को निकल नहीं पाए थे, ये सनसी है और सनसी बहुत दिन से बंद पड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों इतना भूतिया बंगला लगता है, नहीं जब कुछ बड़ा सा बिल्डिंग ऐसा बंद हो जाता है, दूसरे सारे होटल्स तो खुल गए लेकिन ये नहीं खुला, अपोजिट में माउंट बैटन है वो, और वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है प्रभा स्नैक्स। तो ये देखिए सनसी रिसोर्ट वेलकम्स यू अगेन विद बेस्ट हॉस्पिटैलिटी। अच्छा 8 जून आई यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ था लेकिन अभी बंद है। तो हम अबरडीन बाज़ार के साइड से क्रॉस होकर फिर से जा रहे हैं दूसरी तरफ, ये है बैंक SBI बैंक, यहाँ का सबसे बड़ा, और ये है यहाँ का म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस BBMC जिसका नाम है, जो अच्छे से लाइटिंग किया हुआ है। और आज ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही है। आई डोंट नो हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, मुझे नहीं पता। सरुड़ा जेल पहुंच गए हैं और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि एक ही कलर अभी है यहाँ का, मैं एक फ़ोटो लेने के लिए तैयारी कर रही थी लेकिन हुआ नहीं, और अभी हम लोग जा रहे हैं घर। तो कहाँ जा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं अपनी, और अंधेरा हो गया तो आपको इस जगह का ब्यूटी समझ नहीं आएगा, इतना दिन से सोच रही थी रॉस आइलैंड जाओ, रॉस आइलैंड हुआ नहीं, खुल गया है।
क्योंकि ये जंक्शन में है ना, तो मेरे भाई का ये सवाल है कि वो दुकान में मतलब लाइट हाउस यहाँ का जो है मरीना पार्क के पास, वहाँ पे क्यों हर वक्त लोग रहते हैं, क्योंकि वो जंक्शन में है। और आज भी देखिए कितना अच्छा लाइटिंग हुआ है ना। मैं यहाँ पे 31st को आई थी और आज आज भी कल भी आई थी, बहुत ही अच्छा लाइटिंग है। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बोल रहे सी साइड है, उस तरफ हमें गैलरी देखी है। अभी हम लोग कहाँ आए हैं? कार्बिन। कार्बिन के कौन से साइड पे आए हैं? दूसरे गेट पे आए हैं। यहाँ से ये वाला बंकर है यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सा लाइटिंग किया गया है। मैंने इस जगह का पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। भाई हमें बताएगा उस तरफ में क्या क्या है। भाई बताओ। तो इस तरफ में है डंप यार्ड, मैं कभी भी नहीं गई हूँ वहाँ पे, मैं कभी भी नहीं गई हूँ और मैं नहीं जाऊँगी। मेरे भाई बोल रहे हैं अच्छा बताओ कि उस जगह पे मैं जाने वाली हूँ, क्योंकि वहाँ पे सब गंदगी फेंकते हैं ना, तो वहाँ पे मैं नहीं जाऊँगी। और अभी हाई टाइड है और भाई मुझे कुछ कुछ उसका स्टोरीज बोल रहा है। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपको समझ आ गया होगा कि ये कितना ज़्यादा अनप्लान्ड और रैंडम व्लॉग है ऑफ माय लाइफ, लेकिन आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने इतना देर देखा है तो आपको अच्छा ही लगा होगा। तो अगर इतना देर देखा है तो एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे इस वीडियो को शेयर भी करना, और हाँ मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना कि कौन सा वाला पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मेरे इस पर्टिकुलर ब्लॉग का। ओके, मैं सारे रेकमेंडेशन कर रही हूँ और साथ में शेयर भी कर रही हूँ। ओके, बाय बाय।